दोस्तों अभी हम आए हैं इधर कटास राज टेम्पल। तो अभी मैं ये एक रूम में आया हूँ जहाँ पे मेरी अपनी आवाज़ इतनी गूंज रही है ना कि पूरी एक बेस सिस्टम बनी हुई है। ये आप उसकी पेंटिंग्स देख लें, इतने पुराने ये टेम्पल है और उस दौर की पेंटिंग्स। ये ऊपर आपकी छत की पेंटिंग नजर आ रही है। तो चलते हैं अब बाहर। हम बिल्कुल टॉप पे जो बुद्ध मत का स्तूपा जो वहाँ पे है वहाँ पे आए, तो इतने नीचे का जो व्यू है वो देख लें आप। और इधर यूथ हॉस्टल, तो उधर फंक्शन चल रहा है। ये देख लें आप मेरे पीछे, कैसे सारे इसके ये रिजवान साहब का सांस चढ़ा हुआ है। शाह साहब ने मुझे हाथ पकड़ाया। 170 किलोमीटर हम आए चल के, ठीक है, इसका सांस नहीं फूला। ये 2 कदम ऊपर चढ़ा है, इससे सांस फूल गया। हद हो गई यार, वैसे मुझे भी डर लग रहा है इधर। भाइयों, कटास राज का ये जो व्यू है ना, ये जो इसकी बैक में सूरज ग्रूब हो रहा है और वो व्यू आता है ना लेवल, ये व्यू कोई भी नहीं दिखा सकता आपको। ये टेंपल है, ये स्कूल की बाउंड्री के अंदर है। चलो अच्छा, वो यूथ हॉस्टल है और बाकी सारे नीचे ये सारे आपको नज़र आ रहे होंगे, ये सारे टेंपल हैं। ये पूरा एक कह लो ओल्ड सिटी आबाद है इधर। अब लोग रहते नहीं हैं अलग बात है, लेकिन हाँ जी रिजवान बच के आ गए वापस मौत के मुंह से, तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। ये हमारे रिजवान साहब अपने चैनल के लिए कंटेंट बनाते हुए क्यों रोका क्यों आपने? कोशिश कर, अगर आप कटास राज आए और कटास राज की जो तालाब अगर ना आपने नहीं देखा फिर आप कटास राज आए क्यों?
चेक करो यार, डिजाइनिंग चेक करो इसके ऊपर, ये सारा नया लगा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने देखा अक्सर दरवाजे बंद किए हुए इन्होंने, वो इसलिए कि इधर बिल्डिंग्स काफ़ी पुरानी हो चुकी हैं, तो कोई बिल्डिंग मेरे ख्याल से गिर ना जाए इसलिए इन्होंने बंद किए हुए। ये आपको देख नज़र आ रहा होगा, ये भी दरवाज़ा बंद है इनका। पीछे भी हमने बहुत सारे दरवाजे देखे जो लॉक थे, तो उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से माजरत। यार ये जितनी हाइट है ना, ये देख लें आप, 50 फीट कम से कम है जगह नीचे। मेरा वैसे सांस रुक रहा है थोड़ा थोड़ा जी। तो दोस्तों अभी आपको लेके जाने लगा हूँ उस साइड पे, वो सामने मेरे दोस्त गए हुए हैं, वो जो खिड़की नज़र आ रही है आपको, तो अभी मैं भी चलता हूँ उधर और फिर आपसे जाके दिखाता हूँ उधर से व्यू किस तरह का। इधर से तो आपने व्यू देख लिया। रिजवान इधर आ, आ जा मेरे साथ, आ जा एक सेकंड को। तो दोस्तों अभी बिल्कुल ये हम पानी के करीब आ चुके हैं, लेकिन जिस रास्ते से हम आए ना, इतना खौफनाक रास्ता था, ऊपर से बिल्कुल अंधेरा। मैं तो एकदम से ना तोते उड़ गए थे मेरे, ये क्या हो रहा है। ये हमारे रिजवान साहब भी अपना कंटेंट पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह मेरी 5 मिनट की वीडियो बन जाए। मैं वापस आ गया अंधेरे की वजह से, फिर लाइट चला गए। फिर आपको पता है आपका भाई तो फिर हमेशा एडवेंचर माइंड का है, तो घुस जाता है फिर जो भी हो, भाई क्लास है ये। तो आप देख लें बिल्कुल नीचे पानी है, और उधर जाने के लिए भी हमारा रास्ता नहीं है। ये पूरा बिल्डिंग है पीछे, और वाहिद एक रास्ता नज़र आया था हमारे लिए ये, तो ये ऊपर का दरवाज़ा जो है बंद है। जी तो देख लें आप ये नीचे, पता नहीं इन्होंने क्या सोच के बनाया है या किस मकसद के लिए यूज़ हो रहा होगा, ये तो अभी हिस्ट्री का हमें नहीं पता, लेकिन ये है कि बड़ी ख़तरनाक जगह है। नीचे पानी है, पानी ये बाहर सारी लेक का पानी है, ठीक है, और इधर से
सीधे आप पानी के अंदर उतर जाएंगे अगर नीचे जाना है, लेकिन मैं आपको नीचे नहीं लेके जा रहा। तो चलो टोपोग्राफी देख रही है। ओह माय गॉड इतना अंधेरा। ओह बच के निकल गए हम भाई, बच के निकल गए हम, शुक्र है। एक और रास्ता भी है ऊपर। जी भाई ऊपर से बनाई है बहुत। ये मुझे लगता है कि ऊपर से ना पानी नीचे डालने के लिए जगह बनाई हुई है, इधर से ये सीधे पानी नीचे उतरता है। तो पहले मैंने जहाँ पे आपको दिखाया था ये सारा पानी ये बस बाहर झील का, और ये अभी तो बहुत टूट फूट के खतरनाक बन गई है, इधर हमें ज़्यादा नहीं रुकना चाहिए। चलो इस जगह की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत हमारे असद साहब प्रेडिक्शन कर रहे हैं, हमें तो नहीं पता, लेकिन जी असद साहब आप क्या समा रहे थे? टाइम क्लोज हो गया। चलो ये जो दूध वाला यार मैं देख रहा हूँ मेरी पिक्चर अच्छी आ रही है। ओ यार रात हो गई यार, थम्स अप फॉर दिस गाय। ये तो जी तो ये जगह, ये आपको जो जगह नज़र आ रही है इधर हमारे हिसाब से जो हमें लगा है, क्योंकि इधर से नीचे ये जाने के लिए रास्ता है, ये सिर्फ पानी वगैरह के जाने का रास्ता है। इधर कोई बुद्धा वगैरह होगा जो वो अपनी इबादत वगैरह करते हैं तो पानी और दूध वगैरह से नहलाते हैं, तो ये सीधे पानी का रास्ता नीचे तालाब के लिए जाता है हमें जहाँ तक लगा है, लेकिन इसके बारे में हम श्योर नहीं हैं। तो आप भी ये खुद से सर्च कर सकते हैं। जी तो अभी चूँकि अंधेरा भी हो चुका है तो हम चाहते हैं कि आप वापस ही निकल जाएं, ताकि फासला हमारा काफ़ी है। लेकिन इधर एक चीज़ हमें जो दिखाने में रह गई थी तो मैं आपको दिखाने लगा, ये टनल है और इसके साथ ये गेट इसका लगा हुआ है, गेट तो इन्होंने हटाया हुआ है और ऊपर इनका किला है ये। तो अभी मैं आपको इधर टनल से दिखाता हूँ कि आगे क्या सीन है। आगे ये सीन है भाई आगे, बस और तो कुछ भी नहीं है। जब मैं उधर था तो दोस्त इधर आए हुए थे और जब मैं इधर आया तो वो दोस्त उधर चले गए। जी तो दोस्तों कैसी लगी मेरी वीडियो? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो तो बहुत ही अच्छा है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो दोस्तों अभी बस हम जाने लगे हैं इधर से, गार्ड्स भी इधर जो सिक्योरिटी के हैं वो सीटियां बजा रहे हैं कि अब अंधेरा होने लगा है तो आप निकल जाएं। वो उस साइड से मुझे आवाज़ आई है दो बार सीटियों की। ये पीछे स्कूल की बिल्डिंग है, एक गवर्नमेंट स्कूल है मेरे ख्याल से, और ये सारी इस साइड तक पूरी स्कूल की बिल्डिंग है। रास्ता भी चूँकि इधर कच्चा ही है तो इसलिए वीडियो में अगर स्टेबलाइजेशन सही नहीं है तो उसके लिए सॉरी। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो आज के दिन के लिए मेरे लिए, फिर मेरे व्यूवर्स के लिए स्पेशल है, वो इसलिए कि आज मेरे 100 सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं फर्स्ट। तो उसके लिए जितने लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है उनका मैं शुक्रिया अदा करना हूँ, और उनके लिए मेरे दिल से रिस्पेक्ट है भाई कि ये जो शुरू के आपके सब्सक्राइबर होते हैं वो बड़ी मुश्किल से आते हैं, लेकिन आप एक बार नाम बन जाता है उसके बाद फिर लोगों को खुद से पता चलना शुरू हो जाता है कि हाँ भाई ये भी एक बंदा है। तो बाकी जो
आप में से कोई भी अगर इस चैनल में नया है तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाना ताकि जो भी मेरी नई वीडियोज़ आएंगी तो वो आपको मिलती रहे। बस यही कहना था भाई का, भाई की जो ब्लॉगिंग है ख़त्म हो चुकी है, अब मुझे अल्फाज नहीं निकल रहे। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।